ये संघर्ष तो पूरे देश का है, हमारा है, युवाओं का है। ये हम जो संघर्ष करते हैं, हम युवाओं तक जाते हैं, मतलब 15 साल 20 साल का युवा भी ये संघर्ष कर रहा है। विद्यार्थी अभी आपने इलाहाबाद में कल ही देखा होगा कि बच्चों को 20,000 बच्चे आए थे, लाठी डंडों से मार मार करके उनको रोज़गार दे करके भगाया, लाठी डंडों से मारा है, रोज़गार दिया, 6-6 डंडे दिए और वो घर भगा दिया। गोविंद जी, जिस तरह से आप लोग जो है ईपीएस की मांग को लेकर 7-8 सालों से संघर्ष कर रहे हो, सरकार जो है डेट पे डेट दे रही है, आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होगी, आप लोगों को पेंशन बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, उस पर क्या कहें? हाँ, पेंशन बढ़ोतरी का तो एक बड़ा इशू है और ये बड़ा ही मतलब एक मामला बहुत दूर तक पहुँच गया है। अभी इतने सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सब 60 साल से ऊपर हैं, तो 10 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो 70 साल तो ऐसे ही हो गए जो रिटायर हुआ 60 साल में, और जो 20 साल पहले हुआ था उसको 80 साल हो गए, तो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं। इसका अग्रेसिवली हम लोग आंदोलन भी नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग घर घर जा कर के क्षेत्रवार, गाँववार, ब्लॉकवार, तहसीलवार, ज़िलेवार और स्टेट वाइज हम लोग काम कर रहे हैं, और राजावत जी भी काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जो है राज्यों में जा जा करके सभी जो है ईपीएस 95 से जुड़े हुए सदस्यों को ऊर्जावान कर रहे हैं। सभी लोग संघर्षरत रहते हैं, ज़िले से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, जंतर मंतर तक के लिए यही योजना। संघर्ष करने से फ़ायदा आखिर क्या हो रहा है? 8 सालों से आप लोग संघर्ष ही करते रहोगे, इसी तरीके से हर महीने 200 आदमी कम हो रहे हैं, 78 लाख आप लोग गिनती बता रहे हो कि हमारी इतनी संख्या है, अभी सरकार है कि मांग आप लोगों की पूरी नहीं कर रही, आप लोग संघर्ष कब तक करते रहोगे? हाँ, संघर्ष जो है शमशान घाट तक यह संघर्ष रहेगा, क्योंकि अब जो है हम काफ़ी संख्या भी कम हो रहे हैं, उम्र भी कम हो रही है और हमारी ऊर्जा भी कम हो रही है। लेकिन सरकार को संवेदनशील होना चाहिए पब्लिक इशू पर, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से आप सरकार में आए हो, तो आप लोगों का तो कुछ न कुछ तो आप लोगों की आवाज़ को सुनो ना। आप तो खाली हेमा मालिनी के साथ फ़ोटो खिंचवा देते हो, किसी सांसद के साथ जो है नरेंद्र मोदी जी चाय पिला देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हाँ हो रहा है, मैं देखूंगा इसको, अच्छा मैं वित्त मंत्री से बात करूंगा। इस प्रकार के आप आश्वासन दे करके आप टाल जाते हो, तो ये तरीका ठीक नहीं है। ये हमारे लिए, चाहे बुज़ुर्गों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी भी विषय बिंदु पर हो, सरकार को गंभीर होना चाहिए, सरकार को निर्णय लेना चाहिए और टाइम बाउंड निर्णय लेना चाहिए। ऐसे नहीं 10-10 साल तक बुजुर्गों को आपने टाल दिया, 70 साल का बुजुर्ग 80 साल 75 साल में मर गया, उसने आंदोलन भी किया 15 साल और उसके बाद वो मर भी गया, उसको पता ही नहीं चला रिजल्ट आउट क्या हुआ या मेरे संघर्ष का क्या हुआ, उसको पता ही नहीं है। तो कम से कम सरकार को लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता तो दिखानी पड़ेगी। जिस तरह से क्या नाम अभी और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ईपीएस 95 के पेंशनर उसको कैसे लेंगे? हम राज्यवार किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम विरोध में वोट करेंगे। जो सत्ता सरकार में है, हम सरकार के अगेंस्ट में वोट करेंगे, सरकार के अगेंस्ट में हम प्रचार करेंगे और हम कहेंगे कि हमारी ये मांगे हैं, और जो कर्मचारी अभी हैं वर्तमान में हम उनको भी साथ लेंगे, हम इतने दिन से लड़ रहे हैं, ये हमको सुविधाएं नहीं मिली, ये सुविधाएं हैं, आप भी हमारे साथ रहो, तो हम उनको भी मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि सरकार को कम से कम आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने पिछले चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में भी आप लोगों ने विरोध किया था, लेकिन सरकार उनकी आई, फिर वो सरकार बना लेंगे, आप लोगों की बात को मानेंगे नहीं, तो ये संघर्ष कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये संघर्ष तो पूरे देश का है, हमारा है, युवाओं का है। ये हम जो संघर्ष करते हैं, हम युवाओं तक जाते हैं, मतलब 15 साल 20 साल का युवा भी ये संघर्ष कर रहा है। विद्यार्थी अभी आपने इलाहाबाद में कल ही देखा होगा कि बच्चों को 20,000 बच्चे आए थे, लाठी डंडों से मार मार करके उनको रोज़गार दे करके भगाया, लाठी डंडों से मारा है, रोज़गार दिया, 6-6 डंडे दिए और वो घर भगा दिया उनको। तो इस प्रकार का जो संवेदनशीलता इनकी है, ये इनको इससे बाहर आना होगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेच बाज करके सब जो है कहीं चले जाएंगे गठरी लेकर के और सारा पूरा देश को कंगाल कर देंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं देश के अंदर, तो हर एक सेक्टर को, हर एक वर्ग को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, लेना होगा। आपकी लीडरशिप कमज़ोर दिख रही है कहीं ना कहीं। अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लीडरशिप कमज़ोर दिख रही है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो दसियों 20 पचासों साल से जो है डीएमके एडीएमके और मुलायम सिंह एंड कंपनी, बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो हम बुज़ुर्ग जिनको पेंशन नहीं मिली, जिनके पास पैसे नहीं, जो रिटायर हो गए, तो आप हमको कमज़ोर कहोगे, आप कह सकते हो हमको, लेकिन आप वो राहुल गांधी को कमज़ोर बोलते हैं, कांग्रेस को कमज़ोर बोलते हैं, इतनी पार्टियों को कमज़ोर बोलते हैं, आप भी कह सकते हो हम लोग कमज़ोर हैं, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। आप लोगों का जो संघर्ष आप लोगों का 7-8 साल से आप लोग वो संस्था चला रही थी, वो कहीं अपने उससे जो है भटक गई,
नहीं, अभी हम भटके नहीं हैं, अभी हम क्षेत्रवार सबको ऊर्जावान कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं क्या क्या हमने योजनाएं क्या किस किस योजनाओं के तहत हम जो है संघर्ष करेंगे। और हमारा संघर्ष करने का एक मैनर मेथड है, एक उम्र है, एक डायलॉग है और एक भाषा है। हम ऐसे इस प्रकार से जैसे राजनेता लोग बोल देते हैं या जैसे सड़क छाप लोग बोल देते हैं, इस प्रकार से हम ना बोल पाएंगे ना कर पाएंगे। लेकिन हमारी मांग जायज़ है, हम उस पर तो खड़े हैं, वो तो हम 100% दिखा रहे हैं। आपका ऑल इंडिया लेवल का संगठन है तो जहाँ चुनाव होते हैं जिन स्टेटों में, जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में, तो वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए सरकार के खिलाफ, कुछ एजेंडा सेट करना चाहिए बोर्ड से, तभी तो डरेगी ना सरकार। न वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, हम बता भी रहे हैं कि आप जीतोगे, हम दो प्रकार से बात करते हैं, आप जीतोगे तो पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाना, और आप हमारी आवाज़ नहीं उठाते हो तो हम जो है दूसरी पार्टी के पास जा रहे हैं, उनको जो है बताते हैं। तो हम दोनों प्रकार से बात करते हैं। इनके कहने का मतलब जो है, चुनाव हो रहा है हरियाणा में, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो महाराष्ट्र में, उसका क्या फ़ायदा होगा? आपको हरियाणा में आना चाहिए अपनी टीम के साथ धरना प्रदर्शन करने। इसके लिए मेरी रावत जी से अभी बात हो नहीं पाई है, राजावत जी से, तो इसके लिए यदि ऐसा है तो ऐसा कोई आगे एजेंडा आता तो हम लोग ज़रूर करेंगे। अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन में, तो चुनाव के समय क्या आपकी लीडरशिप ETS की वो यहाँ धरना प्रदर्शन करेगी? अगले 10 दिन में हम लोग जो है दिल्ली आने वाले हैं, हमारे अशोक रावत जी और राजावत जी की पूरी टीम जो है दिल्ली आने वाली है। हम दिल्ली से यहाँ से कार्य योजना बना करके पूरे देश में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने एक वो छोड़ा था हर भाषण के अंदर, ये कह रहे थे भाई कुकर के अंदर हमने दाल रख दिया है, पूरे देश को हम भ्रमण कर रहे हैं और सीटी लगे और कुकर में हमने सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया, वो सीटी कब आखिर बजेगी? अब सीटी बुजुर्गों की सीटी है, जिस दिन प्रधानमंत्री चाह ले और या पार्लियामेंट चाह ले कि भाई हाँ इन बुजुर्गों की भी आवाज़ सुन लो, वो सीटी आ जाएगी, दाल पक जाएगी, सबको बढ़ जाएगी। उनका ये भी सवाल है कि भाई हमारा पैसा, हम तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं दे रहे, उस पर क्या कहो? हाँ, हमारा साधारण सा फंडा, ये हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन में से एक पार्शियल पेमेंट आपको छोटा सा निकालना है कि जो हम 1000 रुपया 1500 रुपया पा रहे हैं उसमें से आप 7500 प्लस DA प्लस मेडिकल फैसिलिटी के साथ 10-11 हज़ार रुपये जो बनता है वो दीजिए, वो हमारे पेमेंट से ही मांग रहे हैं। हम वर्ल्ड बैंक से उधार लेके दे दो नहीं बोल रहे हैं, हम जो है आप किसी और टैक्स से लेकर के हमको दे दो, ये हमने कभी नहीं बोला, हमने अपने पेमेंट से ही मांग रहे हैं। लेकिन आपके बातों से तो लग रहा है कि उम्मीदें आप लोगों ने खो चुका है इस सरकार से। नहीं, हमने कभी उम्मीद नहीं खोई, मैंने पहले ही बताया हम यहाँ से लेकर के शमशान घाट तक जो है संघर्ष करते रहेंगे। आप तो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीतिक पार्टियों से सहयोग लिया जा रहा है, उनसे मिला जा रहा है, मुलाकात किया जा रहा है। हम हर सांसद से मिलते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हमारी बात पार्लियामेंट में उठाए। लेकिन मैंने एक तरह से देखा है आप लोग जब जब यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, चाहे देश भर में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मांग एक ही है लेकिन अलग अलग बैनर के तले आप लोग करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? तो देश में भी तो है, भाजपा से लेकर के कांग्रेस से लेकर के क्षेत्रीय पार्टियाँ कितनी हैं, तो ये तो विचार अलग अलग हैं तो अपना बना लेते हैं, लोग संगठन अलग बना लेते हैं, कोई बात नहीं, मांग तो सबकी एक ही है।